बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ट्वीट के जरिए बीपीएससी TRE2 अभ्यर्थी जिनका आज एग्जाम है उनको बताया है कि एग्जाम 2:30 बजे से होगा, 12:30 बजे से 1:30 बजे तक एंट्री टाइमिंग रहेगी। टाइम चेंज कर दिया गया है साइक्लोन की वजह से, बहुत सारे इलाकों में बारिश हो रही जिसकी वजह से ट्रेन लेट चल रही है, तो अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो सेंटर पर आने के लिए इसकी वजह से टाइमिंग है उसको चेंज कर दिया गया है। AN कॉलेज में हम मौजूद हैं और अब एक बार नज़ारा देखिए कि अभ्यर्थी यहाँ पे पहले से आ चुके हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं और हम जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। टाइमिंग चेंज हुआ है क्या, आपको जानकारी थी ये? नहीं, पता नहीं था, सेंटर पे आने के बाद हम लोगों को पता चला। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं परबत्ता से, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। खगड़िया से आप आई हैं। ट्वीट के जरिए अतुल प्रसाद ने ही बताया है कि टाइमिंग चेंज कर दिया गया, बहुत सारे इलाकों में बारिश हो रही है, ट्रेन लेट है इस वजह से, तो कितना समर्थन करती है इस चीज़ का? ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा, वह आए हैं कहीं बैठने का जगह नहीं मिल रहा है, ऐसा है। तो अंदर तो बैठ पा रही हैं आप? अंदर बैठ पा रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम तो हो ही रही है ना। घर से आराम से आते हैं, सुबह से ही चले हैं। ट्वीट के जरिए बताए थे तो ट्वीट देख लेती हैं एक बार, वो तो यहाँ आने के बाद पता चला। कैसी तैयारी चल रही है, मतलब किस तरह से पेपर के लिए तैयार हैं आप, किस चीज़ का पेपर है? हम लोग म्यूजिक से हैं, पेपर के लिए तैयार हैं, अब आगे देखिए। कितने दिनों से या सालों से इंतज़ार था एग्ज़ाम का? बहुत दिन से था। तो बन के जाइएगा शिक्षक, अब वो तो सरकार जानेगी, हम तो परीक्षा तैयारी उस हिसाब से की हैं। किए हैं बिल्कुल। पता था टाइम चेंज के बारे में? अब मैम अगर हमसे पूछोगे तो हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर पंडाल में दूल्हा आ जाए, पंडित आ जाए, ठीक सारी व्यवस्था कंप्लीट कर दी जाए और अटेंडेंट में पता चले कि दुल्हन आई नहीं रही, तो दूल्हा अब कैसा महसूस करेगा? वैसा ही हम लोग फील कर रहे हैं। हम तो यूपी से आए, हमने इधर का बैग में रिजर्वेशन करवा रखा है, मेरा रुपया वेस्ट में गया। अगर ये चीज़ पहले से पता आती तो उधर का ही करवाते, इधर का हम नहीं करवाते। अचानक से मौसम चेंज हो गया, मौसम एग्जाम कभी मौसम पर डिपेंड नहीं होता है। ट्रेन लेट चल रही है ना? कोई बात नहीं, ट्रेन लेट चलेगी तो क्या, मान लो आज ट्रेन कैंसिल हो जाती तो क्या पेपर भी कैंसिल करवा देते? स्टूडेंट को दिक्कत ना हो जिसकी वजह से उन्होंने? नहीं नहीं, इसके पीछे तो हमें लग रहा कुछ और ही कुछ है। ट्रेन कोई इतना बड़ा डिसीजन इस ट्रेन के बजाय से कोई पेपर पोस्टपोन नहीं कर सकता या टाइमिंग आगे नहीं बढ़ा सकता, हो सकता है इसके पीछे और कुछ रीजन हो। आपको क्या लगता है? मुझे रीजन क्या हो सकता है भाई, डाउट सभी को हो गया। क्या आपको क्या लगता है, जैसे आप बता सकते हैं? बता क्या सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अटेंडा में एकदम टाइम बढ़ाना मेरे हिसाब से तो एक संदिग्ध पॉइंट मेरे हिसाब से बन गया है। कि क्या दिक्कत, अब क्या लग रहा है? दिक्कत कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ये दिक्कत हम लोगों की ये हो गई है। नहीं, किसी चीज़ का डर लग रहा है? डर नहीं है, डर तो मेरा रुपया बेच चला गया। तो पेपर लीक के मामला सामने आ जाएगी क्या? पेपर लीक का नहीं, पेपर लीक हम तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा शक के माहौल में तो आ चुके हैं। हो सकता है, क्योंकि जितना टाइम बढ़ेगा, मान लो जो टाइम दिया है हमारे 12 बजे का, अब 4 बजे पेपर लेंगे, इस टाइम पर कॉलेज तो पेपर जो था वो कॉलेज में आ चुका है। ठीक, मुझे खैर इतना क्लियर नहीं पता, लेकिन हो सकता है कॉलेज में पेपर आ गया हो, अब कॉलेज पेपर रखा है तो हो सकता है कुछ छेड़छाड़ उससे हो जाए। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं किस तरह से। क्या कहेंगे टाइमिंग चेंज के बारे में, पता था आप लोग को? बहुत मुश्किल हो रही है मैम। पता था टाइम चेंज हो रही है? टाइम तो यहाँ रास्ते में था तो पता चला, ट्वीट देखें, उनको ट्वीट पे फॉलो करते हैं अतुल सर को, वहीं मिलते हैं, आधा स्पष्ट बोलते हैं। क्या कहेंगे, क्यों लगता है टाइमिंग चेंज किया गया है? टाइमिंग चेंज किया गया है मौसम की वजह से हुआ, लेकिन मौसम तो आज सही है, कल ही कर देना चाहिए था, शाम तक कर दिए होते तो टाइमिंग चेंज करना इशू है गड़बड़, लेकिन अगर समय से पहले कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं होता, कल ही कर दिया जाए। कहीं शक हो रहा है? नहीं, शक मुझे कोई चीज़ का नहीं है, तैयारी अच्छी से। जैसे जिनका सेंटर किशनगंज है, पूड़िया है, कटिहार है, उन लोगों के लिए दिक्कत होगी ना जाने के लिए, जो ट्रेनें दूर है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं, वो ट्रेनें ऑलरेडी लेट जा रही हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट आए हुए हैं, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं। मैम, आपको पता था कि टाइमिंग चेंज है? नहीं पता था, थोड़ा देर पहले मैसेज गया था जाने। क्या कहेंगे इस चीज़ पे, पता नहीं था तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मतलब अतुल प्रसाद जी को पहले ही जानकारी देना चाहिए था। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं AN कॉलेज में हम मौजूद हैं और यहाँ के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको कहना है कि जब हम रास्ते में तो थे तब पता चला, कल ही ट्वीट कर देते तो हम लोग को परेशानी नहीं होती। कुछ लोग तो फ्लाइट से भी आए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को गड़बड़ी भी दिख रही है, तो देखना लाजमी रहेगा कि क्या कुछ नतीजे आते हैं। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।